बरकत राम विज द्वार पूर्व सरपंच नंबरदार गांव बनियानी। खट्टर खूब मौज करिएगा ना, खट्टर का नाम ना ले, मौत दिन देंगे खट्टर ता इधर हैं, खट्टर ता ऐसा भी ना बेमा मौत दिन देंगे। बात तो नाराज हो कटबल लठला करे देखाऊं। अरे खट्टर ता गांव में को राम राम भी कर लेना भाई, हाथ का हाथ मार ले। अरे इस तरह घटिया आदमी ना देखे, हम तो देंगे जी कांग्रेस ने दीपेंद्र को। कौन सी ये सफाई दिखा रहे हो आप? हाँ मैं सफाई दिखा रहा हूँ, आरो है ना वह कागजा में सीमित, हाँ कुछ नहीं है। आज मैं पहुंचा हूँ बनियानी गांव और ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनको आजकल कुछ लोग सुपर सीएम भी कह रहे हैं, उनके गांव में। और ये देखो उनके गांव का जो द्वार है, ये है लाला बरकत राम विज द्वार पूर्व सरपंच नंबरदार गांव बनियानी। बनियानी जो है लोग सारे है वो पेड़ की ओट में, लेकिन ये जो है ना बनियानी गांव का गेट है और ये अपना भिवानी रोड से कनेक्ट है। तो अब हम अंदर जाएंगे और लोगों से मूड जानेंगे कि भाई आखिरकार क्या मूड है बनियानी गांव का। तो देखते हैं लोग क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में बनियानी गांव जो है कलानौर असेंबली सेगमेंट का पार्ट है। तो पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा यहां से हारे थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है 2019 के चुनाव में उन्होंने यहां से लीड ली थी। इस बार वोटर का क्या मूड है उन्हीं से जानेंगे क्या मुद्दे हैं और इस बार क्या बनेगा। हम 60 साल तक कट्टर कांग्रेसी थे जी, 60 साल तक, लेकिन हमने बीजेपी की नीतियों को देखा, सम्मान रूप से वे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए कार्यकर्ता भी उनके लिए वैसा ही है और दूसरी पार्टी का भी वैसा ही विपक्ष वाला। 9 साल राज कर गया, सबसे पहले मुख्यमंत्री आया ना बनियानी में, उसने कहा था कि पूरा गांव आरओ का पानी पीवेगा। अब तक आरओ कागजा में तो होगी, फिर आरओ का पानी बोल भाई से ना है या बासत है? नहीं है, दड़का में 3 जगह दिखा रखी है। अच्छा बथुआ कॉलोनी पैसे तो बताओ एक बार, पीछे पैसा कर सरकार लाना, हम मैं कौन बताओ है? नहीं आया जी आरओ का पानी। देखो आरओ बनकर तैयार हो चुका है, आया नहीं 9.5 साल, ये तो बताओ ना। नहीं 9.5 साल ये बेवकूफ बात कर रहे हैं, नहीं घोषणा क्योंकि पिछला कार्यकाल होया, घोषणा है वो तो वीडियो है हर चीज के सबूत नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात गलत कर रहा है। अब खट्टर साहब आए थे 3 साल पहले, अच्छा इसी कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम कराया था, अच्छा। उस दिन आरओ की घोषणा करी थी उन्होंने, भाई आरओ परोड़ा बनियानी गांव में आरओ परोड़ा माच रहा है। एक भाई बीजेपी का बतावा है, ये सब अपने आपने कांग्रेसी के बतावा है, मैंने सच्चाई बीजेपी के नहीं जी, हम सच्चाई के साथ। नहीं घोषणा कद हुई थी? घोषणा 3 साल पहले हुई थी जी, घोषणा कद हुई थी? घोषणा शुरू में आया ना स्कूल के अंदर, 9 साल पहले, 9 साल पहले 9.5 साल कर गया राज। तो आरओ है आज? आरओ हाँ कागजाम होगी जी, गम नहीं है, आरओ है साहब आज? हाँ जी सर, और चालो चाल के वीडियो में देख, आप रिकॉर्ड में तैयार करो आरओ जोर को प्रबण रही है भाई। नहीं आरओ चालू है, आरओ जोड़ ऊपर बन का तैयार हो गया, उसकी लाइन बिछने का काम हो रहा है। नहीं अभी चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, कागजाम है 9 साल तक कह रहे हो, अभी बनिया है वो आरओ। चलो जी कोई बात नहीं, एक बात है आरओ है भाई काम में, आरओ गांव में है, सह गांव मारो चालू है, पाइप चला कर हो जाएगी, चालू है तो ना भी नहीं चालू, कोई बात नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चालू नहीं, बना दिया बनकर तैयार हो गया। अच्छा हाँ उस टाइम पर बंसी का राज की बात सही है? आप बंसी का राज 9 साल पहले बंसी था ही नहीं, दयानंद सरपंच था। बताओ इसकी साफ सफाई का बताओ। देखो जी यो एक हमारा सामूहिक केंद्र है, कम्युनिटी सेंटर, जब भी कोई प्रोग्राम होता है 2100-1100 की पर्ची कटवा गए सफाई कर्मी, ताम अपनी सफाई। ये बताओ ये सफाई है, देखो ये सफाई है यार, ये नाली तो सारी भरी पड़ी है यार, सफाई की तरह। तो इसका एक बात बताओ जी, आगे कोई घर मकान तो है नहीं, पानी की निकासी की जगह नहीं है, ये जो नाला बना रखा है ये सफाई के लिए नहीं है, ये जोड़ में नहर का पानी ले जाने के लिए नाला है। तो इसका पानी किस जगह जो भीतर गए? इसका पानी की नाली पीछे तो बना रखी, वो दे रखी जी इनका घर के पास, तो नाली जा। चलो खैर जो भी है ठीक है। हाँ जी आपने दिखाया है, हाँ आपने दिखाया ना सफाई वाला, ये देखो सफाई
बहुत बढ़िया हो रही है। चलो खैर, चीजें जो है ना कैमरा ही दिखा रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। के तीन चार बुजुर्ग मुझे यहाँ मिल गए, एक चौक सा है, पूछते हैं जी। राम राम जी। राम राम जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब। अच्छा ये बताओ कि चुनाव में किसकी मदद करने जा रहे हो? मदद तो जी जो जन कल्याण के काम करेगा उसकी कराएंगे, है ना। तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इस पार्टी तब छक लिए लठला के लिए हमारा कड़म। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से? यो गांव मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री का है ना, ना उनका कैसे नाम ना उनका तो यो है निंदाणा। अच्छा यो नहीं है? तो यूट्यूब पे सर्च करके देखो, निंदाणा दे रखा है उन्होंने। नहीं लेकिन परिवार उनका पैतृक संपत्ति ताड़े है, वो भाईयाड़े रहे। हाँ तो फिर गांव ना को ना यार, वो तो फिर रोजगार के लिए अपने पेट पालन के लिए रहे है फिर ताड़े। मतलब आप नाटो हो गए खट्टर का गम को ने? नहीं जो खट्टर नाटे हम कड़े नाटे। हाँ खट्टर का नाट्य है, खट्टर ने अपना गांव निंदाणा बता रखा है। ओहो वो तो कोई बात ना, यू भी तो है। हाँ है, यू भी है। खट्टर ने मदद नहीं करो भाई, वो तो टाइम बताओगा। नाराज हो? किस बात पे नाराज हो? कटबल लठला गिर दिखाऊं? किस के दिखाओ? किसान हम नहीं दिखाओ? किसान हम। अच्छा हम खूब पिट रहे हैं। कद पिट गए? ये भी पिटने लग रहे हैं किसान आंदोलन में। हाँ करडे नाराज हो? करडे तो होएंगे जब लठला गिर है तो राजी कैसे होंगे। अच्छा जी। हाँ जी साहब। राम राम। राम राम। और के नाम है? शमशेर। शमशेर कुछ भी पूछ ले गांव की, गांव की कुछ भी पूछ ले। और जी लोकसभा चुनाव में किने मदद करोगे, किसकी कराओगे आप बताओगे जी? हम तो भाई कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के पूछ कर ले। हां जी क्या नाम है? शमशेर सिंह। अच्छा गांव बनियाणी। अच्छा किसने वोट दोगे? कांग्रेस ने। मतलब दीपेंद्र हुड्डा ने? हाँ जी। अरविंद शर्मा ने भाजपा के? कांग्रेस ने जाएंगे हम तो, कदे तो देते आए रहे। अच्छा कदे तो देते आए हो। अच्छा ये जो राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, बार बार रुक के मान ला रहे हैं, इसका क्या फर्क है काम में इस चीज का? देखो ये तो मंदिर बनाया है, ये कुछ भी कर है सब अपने उसके लिए कर रहे हैं। इस खातर अपना वोट बांटा खातर है, वोट खातर है। लेकिन लोगों खातर तो बनाया है ना? हाँ बनाया लोगों खातर है। तो कोई फायदा मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, वोट देंगे लोग? देंगे। और आप किन दोगे? मैं तो कांग्रेस ने दूंगा। गांव में क्या माहौल है? गांव का तो किसने फेरा, कौन किसने दे, हाँ तेरी भर ले और दे दे इस भाई ने वोट, के फेरा लग गए। क्या नाम है? राजकरण। राजकरण गांव यो है? यो है। अच्छा किसका किसने वोट दोगे भाई? हम तो देंगे बीजेपी ने। बीजेपी ने? हाँ। के काम करे हैं? सारे कर दिए के ना करे बताइयो। जिस तरह भाई रोड राड ये पल्सन बना रखी जमींदारा की, छकमा काम कर रखी इसे। तो खट्टर खूब मौज करिए काम ना, खट्टर का नाम ना ले मोदी देंगे। खट्टर तई खट्टर तई चा भी ना पे मोदी देंगे। मतलब खट्टर ने चा भी ना पे और मोदी ने वोट दोगे? मोदी ने देंगे। तो ये वोट मोदी के हैं? मोदी के हैं। खट्टर का नाड़े किन में भी खट्टर देते हैं क्यों नाराज हो? अरे खट्टर था गांव में को राम राम भी कर लेना भाई, हाथ का हाथ मार ले। इसी के बात होगी हां, इसी के बात। अरे इस तरह घटिया आदमी ना देखे। अच्छा और ये मारा गांव में आ रहा था, कोई भी तना बड़न दिया कड़े अपना घर ना आ रहा थाड़े। अच्छा गांव में के काम कर रहे हैं? गांव में कुछ ना कर रहा, इसने एक मारा भूतपुरो ये था सरपंच बंसी, उसका घर बनाया बस। मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह एक्स पंच। एक्स पंच हो आप इस गांव के? बनियानी के। बनियानी तो गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल जी साहब, वो आया सीएम साहब आया उस आए चला गया गांव में कोई। मतलब खट्टर ने कुछ नहीं कराया? खट्टर ने जो सामुदायिक केंद्र बनाया है। अच्छा और कागजा में भी बहुत कराया है, कागजा में आरओ लगा दी, गांव पानी पीने लाग रहा है, खा रहा आरो है ना, वह कागजा में सीमित कुछ नहीं है, टूटी भी नहीं लाग रही। एक जो कूड़ा घर बना रखा है और कुछ नहीं। अच्छा लेकिन चुनाव तो लोकसभा है, लोकसभा बताओ कि ना वोट दोगे? हम तो देंगे जी कांग्रेस ने दीपेंद्र को।
भाजपा ने ना राम मंदिर बना रखा है। राम मंदिर किसने बनाया है? भाजपा ने बनाया है? नहीं नहीं, वो क्या है, हमने बनाया है। आज से कई हजार साल पहले रामचंद्र जी और कृष्ण जी पैदा हुए हैं, उनका नाम तो है मंदिर, आत्मा में है राम, तो वेणु का राम 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 नाम सुनते उठते हर आदमी तो करा। हाँ, हम एक बार राम राम आप तो करांगे, आप दो बार करोगे। अच्छा, अरे धारा 370 की बात कर रहे हैं। धारा 70 ये राजनीतिक वो है, हमारा देश प्रजातंत्र है, खाली हिंदू नहीं है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। ओ, राम 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 जी राम राम। ठीक हो? हाँ, कति ठीक ठाक। गांव का क्या माहौल है चुनाव का? गांव का कसुत्ता बढ़िया माहौल है, बीजेपी की एक तरफा जीत से जी। अच्छा, गांव में काम भी हो रहे हैं? हाँ, खट्टर साहब ने हमारा गांव में जी कदे बारात डटने की भी जगह नहीं थी, खट्टर साहब ने ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाया, ये बारात घर, भाई बारिश बूंद आ जाए सारा गांव का स्वागत हो जाए, कोई नेता गण आ जाए, कोई बाहर का आदमी आ जाए, सही दा सम्मान हो तो इसमें सम्मान हो जाए। साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई का बढ़िया प्रोग्राम है जी, बार बार ये रहे भाई भी संभाले हैं और गाँव में सफाई कर्मी भी लगा रखे हैं, और ये जर्जर इससे पीछे बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग थी, अब 3 मंजिल सरकारी स्कूल बना दिया गाँव का। तो गांव में वोट किसकी है ज्यादा? ज्यादा कर बीजेपी की है जी। कारण यो है जी, अंडिया करते लोग धक्के खांदे दफ्तर में, चक्कर काटते ही घर ने बैठे लोग आए, पीले कार्ड मिल गए और घर ने बैठे अभी लाइसेंस में नंबर आ जाए, मारे भर गए युवा का जी ने अपने लाइसेंस अप्लाई करना है, और जो बालक अपने कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने लाग रहे हैं, जो बालक पढ़ने लाग रहे हैं उनके घर ने बैठे उनको नौकरी मिल रही है, ना कितने पर्चे चलते ना कितने खर्चे चलते। अच्छा, हमारी कई ग्रामीणों से बात हुई तो काफी नाराज दिखा रहे थे। वो कांग्रेसी है जी, कट्टर कांग्रेसी है, मतलब विकास की बात करना कांग्रेसी। हाँ, कांग्रेसी है वो, इस बात की हमारी एक बात बताओ भाई, उनका घर ना चालो, उनके कार्ड बिना सिफारिश नहीं बने, वो बात तो न लकोने की कोशिश कर रहे, वो उनके कार्ड बिना सिफारिश बने, उनके बड़का लाइसेंस बिना सिफारिश बने, उनमें कम से कम भी 8-10 बालक नौकरी लागे, डी ग्रुप में लागे, हरियाणा पुलिस में लागे, हमारा गाँव में कलरक लागे शिक्षा बोर्ड में, अब तो एक लड़का लगा है हरियाणा रोडवेज में लगा था, जिसका रोहतक तक भाड़ा देने का भी विरोध नहीं था। वो डीसी रेट पर लग गया होगा? नहीं जी, हरियाणा रोडवेज में लगा था। नहीं, डीसी रेट पर लग गया, पक्की नौकरी लगे हरियाणा रोडवेज में, ड्राइवर सन्नी राजकुमार का प्रजापता में, बहुत गरीब बेचारा ईट भरिया करता भट्ठे पे। तो खट्टर साहब तो सब राजी है? हाँ, खट्टर साहब बरगा ईमानदार नेता ही नहीं जी। नहीं, उन्हें खुद त्यागी जी, खुद त्यागी, पार्टी हाईकमान का फैसला आया भाई इलेक्शन का टाइम आ गया है, हरियाणा में अब तक ओबीसी चेहरा कोई भी नहीं बनाया था, हमने ओबीसी चेहरे को बनाने का फैसला लिया है, खट्टर साहब ने एक मिनट में त्याग दी। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है गांव में? राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ था हमारे गाँव में, जगह जगह यज्ञ हवन हुए थे, भंडारे हुए थे, और राम मंदिर बनने के बाद ही, मतलब राम मंदिर बनाया है, इस बात तो बहुत ज़्यादा खुश है, धारा 370 हटने तक बहुत ज़्यादा खुश है हमारा गांव, ये बीजेपी का एक तरफा गांव है, खट्टर साहब का गांव, ये हमारे जी 16-16, 12-12 लाख में जमीन बेचा करती, करोड़ों में जमीन हो रही है। अच्छा, पता है तो एक बीजेपी का नेता भी ले गया किले? बीजेपी का नेता कोई नहीं ले रहा जी, कहने की बात से। अच्छा, हाँ, कहने की बात से नहीं, कहने की बात आसो क्यों जी, मेरे जमीन ले रहा हूँ, अरे बाग लगा रखे है, किराए जमीन रेंट पर ले रखी है, बाग का शौक किसी ने भी हो सके। रमेश भाटिया अपने गोदाम का गैल ने अपना बना रहा निजी, रमेश भाटिया बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रोहतक के, लेकिन उनका जमीन लेने तक कोई मैटर नहीं है, वो तो शुरू से ही अपना प्लम्बर का काम करे, उनका बहुत पुराना काम झज्जर रोड पर, पार्टी का हो सके साहूकार भी हो सके, इसमें कोई बात नहीं होगी, कोई दोराय नहीं होगी।